आज तुम्हें विष्णु भगवान की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सृष्टि के पालन करता यही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें विष्णु भगवान की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सृष्टि के पालन करता यही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, आज हम आपको जगत पिता जगदीश श्री विष्णु जी की कथा सुनाएंगे और इनकी महिमा वर्णन करेंगे। विष्णु जी को सारी सृष्टि का पालन करता माना जाता है। इनका चतुर्भुज रूप बड़ा ही अलौकिक है। वेदों और पुराणों में विष्णु जी की अनेकों ही कथाओं का वर्णन है। कहते हैं जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, विष्णु जी ही उसे मिटाने के लिए किसी ना किसी रूप में अवतार लेते हैं। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं विष्णु जी की महिमा वर्णन और पावन कथा। सर्वप्रथम अवतार हरि का मत्स्य रूप बनाया है, ग्रीव नामक दानव ने जब वेदों को है छुपाया। वेद पुराण छुपा दिए उसने सागर में ले जाके, दानों का संहार किया है मत्स्य रूप बनाकर। सत्यव्रत राजा के महल में मछली बनकर आए, और कहा है प्रलय धरा पर सातवें दिन आ जाए। महामत्स्य बनकर राजन मैं तो आऊंगा, सप्तऋषियों के संग आपको मैं भी बचाऊंगा। पूरी कथा विस्तार से अब हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सृष्टि के पालन करता यही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु का सर्वप्रथम मत्स्य अवतार ही माना जाता है। बात उस समय की है, सत्यव्रत नामक राजा बड़े ही धर्मात्मा थे। राजा होने के साथ साथ वो महान विष्णु भक्त भी थे। एक दिन वो नदी में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ दे रहे थे, तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ जाती है और कहती है, हे राजन, इस सागर में बहुत बड़े बड़े जीव हैं जो मुझे खा जाएंगे। आप मुझे सागर में ना छोड़कर अपने महल में ले चलिए। राजा सत्यव्रत ने उन्हें अपने जल के लोटे में डाल लिया और महल में लेकर आ गए। रात भर में मछली का आकार इतना बढ़ गया कि लोटा छोटा पड़ गया। जब राजा सत्यव्रत ने देखा तो मछली कहने लगी, हे राजन, ये पात्र छोटा पड़ गया है, मुझे आप किसी बड़े पात्र में रखवाएं। तो राजा सत्यव्रत ने मछली को जल से भरे एक मटके में रखवा दिया। अगले दिन मछली का आकार इतना बढ़ गया कि मटका भी छोटा पड़ गया। मछली ने राजन से फिर पुकार करी तो उन्होंने महल में बने तालाब में मछली को छुड़वा दिया। राजन को तब बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अगले दिन मछली का आकार इतना बढ़ गया कि तालाब भी छोटा पड़ गया। राजन समझ गए, ये कोई साधारण मछली हो ही नहीं सकती, और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे पुण्यात्मा, आप कौन है कृपया मुझे बताएं। साधारण कोई मछली इतनी शीघ्र नहीं बढ़ जाए। सत्यव्रत राजा ने उनसे विनती जो है की, रूप चतुर्भुज लेकर आ गए फिर तो विष्णु जी। बोले, राजन, धरती पर बढ़ गया पाप का भार,
मत्स्य रूप मिले न पड़ा है तभी मुझे अवतार। धर्म की हानि हो रही क्योंकि वेद ही नहीं रहे, है ग्रीव नामक दैत्य सब सागर में छिपा दिए। मत्स्य रूप में हम उन्हें बाहर लाना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सृष्टि के पालन करता यही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को बतलाया कि आज से ठीक 7 दिन पश्चात धरती पर प्रलय आ जाएगी। आप इससे पहले धरती के सभी जीवों और बीजों को एकत्रित करो तथा सप्त ऋषियों को लेकर हमारी भेजी हुई नौका में बैठ जाना। हम महामत्स्य बनकर उस नौका को पार लगाएंगे और हयग्रीव नामक दानों का संहार भी करेंगे। भक्तों, जैसा विष्णु जी ने बताया था वैसा ही हुआ। ठीक 7वें दिन सारी धरती जलमग्न हो गई। राजा सत्यव्रत सप्त ऋषियों सहित सभी जीव और बीजों को लेकर नौका में सवार हो गए। विष्णु जी ने स्वयं महामत्स्य बनकर उनका उद्धार किया और हयग्रीव का संहार करके फिर से धरती पर जीवों की स्थापना कर दी। कच्छप बनकर हरि ने है दूजा अवतार लिया, दैत्यों और देवों ने जब सागर मंथन है किया। कच्छप बनकर मंदराचल पर्वत को उठाया है, सागर मंथन तब ही भक्तों संभव हो पाया है। कालकूट विष सबसे पहले निकल के आया है, भोलेनाथ ने जिसको अपने कंठ समाया है। 14 रतन भी सागर मंथन से है निकल के आए, दैत्य देवता दोनों ही है अमृत पाना चाहे। विष्णु जी फिर अपना मोहिनी रूप बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सृष्टि के पालन करता यही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार कच्छप बनकर लिया था। जब दैत्यों और देवों ने मिलकर सागर मंथन किया तो भगवान विष्णु ने ही कच्छप बनकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया और सागर मंथन के कार्य को संपूर्ण करवाया। भक्तजनों, सागर मंथन से सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला जिसको भोलेनाथ ने अपने कंठ में ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात 14 रत्न निकले जिसमें से अमृत भी एक था। देवता और दानों दोनों ही अमृत को पीना चाहते थे। विष्णु जी ने अपना मोहिनी रूप बनाकर दैत्यों को भ्रमित कर दिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। विष्णु जी ने तीसरा फिर तो लिया वराह अवतार, हिरण्याक्ष नामक दानों के बढ़ गए अत्याचार। ब्रह्मा जी की करके तपस्या मांग लिया वरदान, हिरण्याक्ष नामक दानों हो गया फिर बलवान। एक दिन उसने पूरी ही धरती को तो उठाया है और सागर के बीच में ले जा करके छुपाया है। पृथ्वी के बिना जीवन किसी का संभव ना हो पाए, वराह रूप में तब विष्णु भगवान स्वयं ही आए। दांतों बीच में रख कर पृथ्वी को बाहर लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सृष्टि
के पालन करता यही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, श्री हरि विष्णु अपने तीसरे अवतार में वराह बनकर अवतरित हुए थे। उन्होंने ही हिरण्याक्ष नामक दानव का वध किया था, जिसने धरती को ही सागर में ले जाकर छिपा दिया था। अपने वराह अवतार में भगवान विष्णु धरती को दांतों के बीच उठाकर वापस ले आए और हिरण्याक्ष का वध करके धरती पर धर्म का साम्राज्य स्थापित किया। आइए भक्तों, अब भगवान विष्णु के चौथा अवतार की महिमा जानते हैं। हिरण्याक्ष का छोटा भाई हिरण्याकश्यप नाम, विष्णु जी से प्रतिकार लेने कलिया है ठाम। ब्रह्मा जी की करने तपस्या हिरण्याकश्यप आया, प्रसन्न कर लिया ब्रह्मा जी को और वरदान ये पाया। नर नारी दानो मानो मेरा वध ना कोई कर पाए, ना ही मृत्यु दिन में मेरी ना ही तो रात में आए। ना ही भीतर मरूं मैं ना मुझे मारे कोई बाहें, और मार ना पाए कोई मुझको तो शस्त्र चला कर। मन चाहा वरदान ब्रह्मा जी उसे दे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सृष्टि के पालन करता यही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्याकश्यप को बड़ा ही अहंकार हो गया, क्योंकि विष्णु जी ने उनके बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। अतः उन्होंने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि कोई भी विष्णु की भक्ति नहीं करेगा। उन्होंने विष्णु जी का नाम ही धरा से मिटाने का निश्चय कर लिया। किंतु हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद ही विष्णु जी का महान भक्त था। अपने पिता के लाख मना करने पर भी उसने विष्णु भक्ति करना नहीं छोड़ा। अपने पिता की बात ही जब नहीं भक्त प्रहलाद है माना, हिरण्यकश्यप सोचे इसको पड़ेगा सबक सिखाना। अत्याचार अपने ही पुत्र पे उसने खूब किया, सागर में कभी डुबो दिया पर्वत से फेंक दिया। किंतु भक्त प्रहलाद फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हिरण्यकश्यप सोचे ये तो संकट बहुत बड़ा है। विष्णु भक्ति करने से ना पुत्र को रोक सका, प्रजा के वासी मेरी बात को फिर मानेंगे क्या। भी तो सब विष्णु भक्ति करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सृष्टि के पालन करता यही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कश्यप जब भक्त प्रहलाद को विष्णु भक्ति से रोक नहीं पाया तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया, क्योंकि होलिका के पास ऐसा आंचल था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई और हिरण्याकश्यप ने चारों ओर से आग लगवा दी। भगवान विष्णु ने ऐसा चमत्कार किया कि होलिका का आंचल भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका वहीं जल गई। भक्तजनों, इसीलिए आज तक भी होलिका दहन किया जाता है। जब हिरण्याकश्यप पूछने लगे कि तुम
जीवित कैसे बच गए? तो भक्त प्रहलाद ने विष्णु जी का नाम लिया और कहा कि विष्णु जी कण कण में विराजमान हैं, वो भक्तों की रक्षा करने के लिए कहीं भी आ सकते हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर एक खंभे को लात मारकर गिरा दिया और कहने लगा, दिखाओ तुम्हारे विष्णु भगवान इस खंभे में कहाँ हैं? करते सदा ही विष्णु जी तो भक्तों पर उपकार, खंभ से ही फिर विष्णु जी ने लिया नरसिंह अवतार। जैसा ब्रह्मा का वरदान था वही थी सारी बात, उस समय ना ही दिन था भक्तों और ना ही थी रात। आधा बाहर आधा भीतर दानों को ले आए और अपने ही घुटनों पर है उसको दिया लिटाए। हिरण्यकश्यप के सीने में फिर ना खून गड़ाए, अंत कर दिया पापी का उसे दिया परलोक पठाए। आखिर अपने भक्त प्रहलाद की लाज बचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सृष्टि के पालन करता यही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की लाज बचाई। भक्त प्रहलाद के ही पौत्र हुए राजा बलि, उन्होंने अपने बाहुबल से तीनों लोकों पे अधिकार प्राप्त कर लिया। तब इंद्रदेव ने आकर विष्णु जी से विनती की तो विष्णु जी ने वामन का अवतार लिया। राजा बलि बड़े ही दानी व्यक्ति थे। भगवान विष्णु ने बौना ब्राह्मण बनकर उनसे तीन पग धरती दान में मांग ली। राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया, किंतु भगवान विष्णु ने अपने रूप को विकसित करके एक ही पग में सारी धरती को नाप दिया और दूसरे पग से अंबर को भी नाप दिया और कहने लगे, हे राजन, आपने तीन पग धरती देने का वचन दिया था, किंतु दो ही पग में धरती और आकाश नाप दिए। अब बोलो तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? राजा बलि ने फिर तो विष्णु जी को शीश झुकाया और तीसरा पग अपने सर के है ऊपर रखाया। मिट गया है अब राजा बलि का सारा ही अहंकार, सर पे पांव रखा विष्णु जी ने हो गया है उद्धार। पाताल लोक में विष्णु जी ने राजा बलि पठाया और राजा पाताल लोक की भी है उसे बनाया। अहंकार तब विष्णु जी ने बालिका नष्ट किया, इंद्रदेव को स्वर्ग सिंहासन वापस दिला दिया। देवों पर आए संकट को ये भी मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सृष्टि के पालन करता यही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, इसके पश्चात भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम ब्राह्मण के रूप में हुआ, जिन्होंने पापी क्षत्रियों के अत्याचारों का अंत किया था। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि और रेणुका की संतान बनकर अवतरित हुए थे। एक बार इनकी माता का हरण एक क्षत्रिय ने बलपूर्वक कर लिया। जब उनकी माता लौट कर आई तो ऋषि जमदग्नि ने उसे अपनाने से मना कर दिया। परशुराम को अपने पिता के आदेश पर स्वयं अपनी माता की ही हत्या करनी पड़ी थी। फिर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके उन्होंने अपनी माता के प्राण फिर से लौटा लिए। भगवान भोलेनाथ ने ही उन्हें एक फरसा दिया, जिसको लेकर
भगवान परशुराम ने सभी पापी क्षत्रियों का संहार किया था। परशुराम के रूप में इनका छठा हुआ अवतार, जितने भी पापी क्षत्रिय थे सबका किया संहार। क्षत्रिय ब्राह्मण के ही रूप में इन्हें पुकारा जाए, क्षत्रियों के आकर के इन्होंने अत्याचार मिटाए। भोलेनाथ ने स्वयं ही इनको फरसा भेंट किया था, उस फरसे से दुराचार धरती से मिटा दिया था। विष्णु जी ही बनकर आए भक्तों परशुराम, और धरती से पाप का कर दिया उन्होंने काम तमाम। अपने हर एक रूप में ये तो पाप मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सृष्टि के पालन करता यही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, विष्णु जी का सातवां अवतार प्रभु राम के रूप में हुआ था। रामायण आप सभी भक्त भली भांति परिचित हैं। किस प्रकार त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लिया था, अपने इस अवतार में प्रभु श्री राम ने राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया और जनक दुलारी माता सीता के संग विवाह किया, और स्वयं ही भक्तों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए इन्होंने 14 वर्ष वनवास की लीला रची। चौदह वर्ष वनवास प्रभु श्री राम के हैं जब आए, माँ सीता को रावण धोखे से है हर ले जाए। वानर सेना सहित राम ने लंका करी चढ़ाई, दोनों ओर से हुई है फिर तो भीषण बड़ी लड़ाई। लंका नगरी से दुष्टों का नामो निशान मिटाया, और धर्म का झंडा राम ने फिर से है लहराया। माँ सीता को लेके अयोध्या लौट के फिर आए, और विभीषण को लंका का राजा दिया बनाए। अपने प्रिय भक्तों को सदा ही गले लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सृष्टि के पालन करता यही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, श्री हरि विष्णु जी का आठवां अवतार द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में हुआ। अपने इस जन्म में भगवान विष्णु वासुदेव और देवकी की संतान बनकर जन्मे। इन्होंने अपनी बाल्यावस्था में ही अनेकों मनमोहक लीलाएं दिखाई, पूतना सहित अनेकों राक्षसों का वध भी किया, ग्वाला बनकर गाय चराई, और इंद्रदेव के अहंकार को मिटाने के लिए गोवर्धन भी उंगली पर उठाया। इसके पश्चात मथुरा में आकर मामा कंस का वध किया और श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए। श्री कृष्ण के रूप में जब है विष्णु जी आए, प्रसन्न बड़ा ही होता है मन उनकी देख लीलाए। माखन चोर कभी ये ग्वाला देखो बन जाते हैं, बरसाने की गोपियों के संग रास रचाते हैं। फिर मथुरा में आकर कंस के अत्याचार मिटाए, और द्वारकाधीश कृष्णा फिर तो है बन जाए। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया इन्होंने गीता ज्ञान, पाप का भार घटाने को सदा आते हैं भगवान।
हद से अत्याचार धरा पर जब बढ़ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। सृष्टि के पालन करता यही माने जाते हैं हम कथा सुनाते हैं। जनों अपने नौवें अवतार में विष्णु जी ने गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिया था। अपने इस जीवन में उन्होंने अनेक स्थानों पर घूम घूम कर धर्म का प्रचार किया था और जीवन के वास्तविक मूल्य को समझाया था। गौतम बुद्ध के रूप में लिया है इन्होंने फिर अवतार, चारों ओर ही घूम घूम कर किया धर्म प्रचार। कठिन तपस्या करके सच्चाई को खोज लिया है और जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझ लिया है। वेदों में ये भक्तों पहले से ही वर्णन है, कल के रूप में इनका बाकी होना अवतरण है। विष्णु जी की पावन गाथा डीएस पाल ने गाई, वेदों में भी वर्णित भक्तों जाति है पाई। फौजी जो लिखता ये ही वो तो लिखवाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। सृष्टि के पालन करता यही माने जाते हैं हम कथा सुनाते हैं।